Today, we are going to talk about the characteristic of cathode rays. This topic is taken from the chapter number 2, Atomic Structure. So we are discuss the characteristic of cathode rays is one by one. So the first one is these rays travel in a straight lines. ये जो rays है ये travel करता है in a straight lines, means the perpendicular to the cathode surface and away from the cathode move toward the anode. जितने भी X-rays हैं वो हमारे पास straight line में travel करता है और ये हमेशा cathode rays से away from cathode. ये कैथोड रेज अवे फ्रॉम कैथोड कैथोड से निकलते हैं. अब सेकंड वन जो है दे प्रोड्यूस अ शार्प शैडो इफ एन ओपेक ऑब्जेक्ट इज प्लेस इन देयर पाथ. ये जो रेज है ये हमारे पास जब भी इस रेज किस रास्ते में कोई भी ओपेक ऑब्जेक्ट आ जाए तो ये उसका शैडो बनाता है. क्या बनाता है? शेडो बनाता है. यू कैन सी इन दिस ग्राफ दैट द कैथोड रेज इज ट्रेवलिंग स्ट्रेट एंड द ओपेक ऑब्जेक्ट इज कीप एंड देयर प्लेस एंड देयर पाथ एंड टू मेक अ शेडो. ये हमारे पास एक प्लेट है और इस प्लेट का जो शेडो है वो यहां पे बनाया है. इसी तरह इसका जो तीसरा कैरेक्टरिस्टिक है, तीसरा कैरेक्टर है, दीज रेज प्रोड्यूस फ्लोरेसेंस व्हेन दे स्ट्राइक द वॉल ऑफ द डिस्चार्ज ट्यूब. थर्ड ये है कि जब भी ये कैथोड रेज इस डिस्चार्ज ट्यूब के साथ स्ट्रिक हो जाए तो इस स्ट्रिकनेस की वजह से फिर ये क्या, ये फ्लोरेसेंस यानी ग्रीन ग्लो बनाता है और ये यानी स्पार्क बनाता, स्पार्क करता है. तो अब यहाँ पे देख सकते हैं ये जो रेज है कैथोड रेज ये यहाँ पे जब हिट हो जाता है तो इस हिटिंग से स्ट्राइक होने से ये ग्रीन ग्लो बनाता है. और इसी तरह अब कैरेक्टरिस्टिक नंबर 4 देख सकते हैं कि दीज रेज हीट हीट ऑफ द मेटल ऑन विच दे फॉल. जब भी ये कैथोड रेज किसी मेटल के ऊपर पड़ते हैं तो वो हीट ऑफ कर लेता है, वो हीट ऑफ हो जाता है. अब इसी तरह करेक्टरिस्टिक नंबर 5, दीज रेज कैन मूव अ स्मॉल पेन फील प्लेस इन देयर पाथ. इस कैथोड रेज का 5th करेक्टरिस्टिक ये है कि जब भी हम इस कैथोड रेज के पाथ में हम कोई पिन व्हील रखते हैं तो इस पिन व्हील्स को जो लाइट पिन व्हील्स हैं ये रोटेट कर लेता है. इट कैन रोटेट. सो ये क्यों रोटेट करते हैं? बिकॉज हम आगे देखते हैं कि क्यों रोटेट करते हैं. अब ये नंबर 6 जो है दीज रेज प्रोड्यूस एक्स रेज. ये जो रेज है ये हमारे पास एक्स रेज भी बनाते हैं व्हेन स्ट्राइक विद द हैवी एनोड, जब ये एनोड के साथ स्ट्राइक हो जाए. अब ये देख सकते हैं कि ये कैथोड से जो कैथोड रेज निकलते हैं, अब यहाँ पे एक एनोड है जो हैवी मेटल से बना है, जब भी इसके साथ हिट हो जाते हैं तो इस हिटिंग की वजह से इससे रेडिएशंस निकलती है, रेज निकलती है. इस रेज को एक्स रेज कहते हैं क्योंकि ये रेज अननोन थे और ये अननोन है तो इसलिए इसको एक्स रेज भी कहते हैं, जो आगे हम टॉपिक में डिस्कस करेंगे. अब पॉइंट नंबर करेक्टरिस्टिक नंबर 7, दीज रेज कैन आयोनाइज द गैस. ये रेज जो है ये हमारे पास गैस को आयोनाइज करते हैं. जो पिछले टॉपिक में आप लोगों को पढ़ाया था कि हमारे पास वो डिस्चार्ज ट्यूब में कुछ गैसेस थी, अब ये अगर कैथोड रेज के पाथ में कोई गैस आ जाए तो उस गैस से ये रेज
इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। जब इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो हमारे पास ये आयंस में चेंज हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन अलग हो जाते हैं और जो प्लस चार्ज प्रोटॉन है वो अलग हो जाते हैं। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि द कैथोड रेज कैन आयोनाइज द गैसेस, गैसेस को आयोनाइज कर लेते हैं। इस तरह पॉइंट नंबर एट, करेक्टरिस्टिक नंबर एट, दे हैव रिड्यूसिंग इफेक्ट। इसका जो है, इसका एक रिड्यूसिंग इफेक्ट है और इस रिड्यूसिंग इफेक्ट की वजह से हमारे पास जो केमिकल चेंज आता है किसी मटेरियल में, तो ये एक्स रेज, ये कैथोड रेज वो चेंजिंग लाता है, क्योंकि वो रिड्यूसिंग इफेक्ट कॉज करता है, हैविंग रिड्यूसिंग इफेक्ट, क्योंकि ये किसी मटेरियल से, कोई किसी एटम से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। जब इलेक्ट्रॉन निकल जाती है तो केमिकल चेंज आ जाती है। अब जो करेक्टरिस्टिक ऑफ कैथोड रेज नंबर नाइन है, दीज रेज कैन पेनेट्रेट मेटालिक शीट लाइक एलुमिनियम एंड गोल्ड। अगर हम कैथोड रेज के पाथ में हम एलुमिनियम शीट या गोल्ड शीट्स रखते हैं तो इस दौरान ये रेज पेनेट्रेट हो जाती है, निकल जाती है। बिकॉज द कैथोड रेज हैव हाई पेनेट्रेटिंग पावर, तो ये इस शीट से निकल जाती है। इसी तरह करेक्टरिस्टिक नंबर 10, कैथोड रेज आर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। कैथोड रेज जो है ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, क्योंकि अगर इसके पाथ में हम इलेक्ट्रिक फील्ड रखते हैं तो इस दौरान डिफ्लेक्ट हो जाते हैं ये कैथोड रेज टूवर्ड योर टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉजिटिव साइड्स की तरफ जाते हैं, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड्स की तरफ मूव करते हैं बजाय एनोड के। इसी तरह करेक्टरिस्टिक नंबर 11, दीज रेज आल्सो डिफ्लेक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। अगर हम इसके पाथ में, कैथोड रेज के पाथ में, ये कैथोड रेज है, कैथोड रेज के पाथ में अगर हम मैग्नेटिक फील्ड रखते हैं तो इस दौरान ये मैग्नेटिक फील्ड जो है ये हमारे पास इसको मूव करता है टुवर्ड द साउथ, ये साउथ पोल्स की तरफ ये कैथोड रेज डिफ्लेक्ट होते हैं। इसी तरह अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड बेस के साथ रखते हैं तो फिर इस दौरान ये मूव करता है टुवर्ड, ये स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये मैग्नेटिक फील्ड ईच अदर इफेक्ट कैंसल विद ईच अदर, ये एक दूसरे का इफेक्ट जो ये कैंसल करता है, और इस दौरान ये जो कैथोड रेज है ये स्ट्रेट मूव ट्रेवलिंग करता है। इसी तरह अगर हम सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड को रखते हैं और मैग्नेटिक फील्ड को रिमूव करते हैं तो इस दौरान द कैथोड रेज डिफ्लेक्टेड टूवर्ड द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, पॉजिटिव टर्मिनल। अब करेक्टरिस्टिक नंबर 12, चार्ज टू मास रेशियो ऑफ द कैथोड रेज इज 1.7588×10^11 कूलम पर किलोग्राम, ये चार्ज टू मास रेशियो है। इसी तरह करेक्टरिस्टिक नंबर 13, चार्ज ऑन कैथोड रेज इज 1.6022×10^-19 कूलम, ये कैथोड रेज का चार्ज है। ये था हमारे पास करेक्टरिस्टिक ऑफ कैथोड रेज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।